हुआ? क्या हुआ मेरे बाबा को? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मैं कहीं क्या हुआ मेरे पापा को? अरे तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? पाचू अंकल, वो सब नीचे खामोश खड़े हैं, कोई जवाब नहीं देता। आखिर हुआ क्या पापा को? अरे आपके हुत में हुआ क्या पापा को? करो बेटे, तेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। जब तक परशुराम जैसा दोस्त उसके साथ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। यह सच है कि भोला पांडे ने जानलेवा हमला किया था मुझ पर, मगर उससे पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। नहीं बेटे, पहले मेरी बात सुन। भोला पांडे की इस हरकत ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। जरा ठंडे दिमाग से सोच। इस दुनिया में हम तीनों के सिवाय कोई नहीं जानता कि खाकान की जान सही सलामत है। अब इस मौत की झूठी खबर फैलाकर हम अपने दुश्मन और कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। इस मौके का हम अब फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? एक बात आप भी साफ साफ सुन लीजिए पापा, आज तक आप फैसला सुनाते रहे, अब आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। बोल बेटे। इस वार के बाद मैं आपको हिंदुस्तान में रहने नहीं दूंगा। गौरव, ये आज तुम्हें हुआ क्या है बेटे? बाप के कंधे के बराबर जब बेटे का कंधा हो जाता है तो बाप की जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों का बोझ उठाने के काबिल हो जाता है। बचपन में आपने मुझे अपने से दूर रखा ताकि आपकी कमजोरी का कोई फायदा ना उठा सके। अब मैं आपको दुश्मन और कानून की नजरों से दूर रखना चाहता हूं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लो, सुबह मैं तुझे डांट रहा था, अब तू मुझे डांटकर अपना हक जता रहा है। आप कुछ भी कहो पापा, आपको यहां से जाना ही होगा। यहां पर सारा कारोबार मैं संभालूंगा। और फिर परशु अंकल भी तो यहां है, उनके इशारे के बगैर मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। तेरे फैसले की मुखालफत यहां कोई नहीं करेगा बेटा, लेकिन तुझे उस वक्त तक अपने पर काबू रखना होगा जब तक तेरे पापा हिंदुस्तान की हदों से दूर नहीं चले जाते। उसके बाद होगा कहर। गुरु, आजा आजा, उठा हुआ हूं मैं। अब कैसे रहे तू? कितने कर्ज तू मुझ पे ला देगा यार, अब तो इन रगों में भी तेरा खून दौड़ रहा है। देख देव, दोस्ती में कर्ज एहसान मुरव्वत जैसे लफ्ज मत छोड़ा कर। अरे खून क्या, मैं तो तेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूं। अब ऐसी बातें करके तू मुझे रुलाना चाहता है? और तू क्या ऐसी बात करके मुझे बहुत खुश कर रहा है? क्यों, अब छोड़ यार, कुछ टाइम टाइम फिश की बात कर। अरे यार, अब तेरे से क्या छुपाना, यह अस्पताल तो मुझे रेगिस्तान लगता है। यहाँ गले की सरावट के बारे में तो कोई ख्याल करता ही नहीं है, जो आता है दवा छिड़का देता है, दारू के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तेरे को दारू चाहिए? हाँ यार। कितनी बोतल चाहिए? जितनी मिल जाए। बकवास बंद कर, मैं उस दुकान को आग लगा दूंगा जहां से एक बूंद भी शराब आएगी। अरे ये अस्पताल है, या तुझे नई जिंदगी मिली और तू चाहता मैं तेरे लिए मौत का सामान ले आऊं? यार तूने सोचा कैसे कि मैं और तेरे लिए यहां शराब ले आऊंगा? यार तू यहां से बाहर तो निकल, तू बाहर निकल, मैं तेरे लिए क्या बोलते हैं बहुत बड़ी डिस्टिलरी लगा दूंगा। तेरे नल में पानी की जगह दारू बहेगी, रात दिन बैठकर पीते रहना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। स्टूपिड इडियट, अस्पताल में बैठ के दारू पिएगा? यार ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, अब मेरा क्या होगा? रोजी, रोजी एक बोतल दारू पिला दे यार। बस इतनी जल्दी क्या रे? हेलो रोजी, मूड बनाने वाली काटा रोजी। अरे भगवान करे मुझ जैसे भूखों की रोजी रोटी बनकर तुम रोज मिला करो। हाँ सर, भूखे तू है कौन?
मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं देव, जिसने तुम्हें चाय का पानी पीते रंगे हाथ तो पकड़ा था ना। अरे है देव, कहाँ है रे तू? जल्दी आ जा रे। अरे कैसे आऊँ मैं, यहाँ अस्पताल में फंसा हूँ ना रे। हा? अरे इतने दिनों से एक बूंद शराब की नहीं पी और ये अस्पताल वाले मुझे निकलने को नहीं देते। अरे तो काय को फिक्र करता है रे, मैं अभी जाती तेरा मूड बनाने को। याद भाई भाई, याद भाई भाई, याद भाई भाई। ओए छोकरी। ए? क्या है रे छोकरे, मूड बना देंगे क्या? ए, ए, तुम ऐसे बात मत करो। तुमको किधर जाने का, किधर बाबा? ए, किधर? अंदर। अरे बाबा अंदर जाने का टाइम खत्म हो गया अभी। सबके लिए थोड़ी खत्म हो गया। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। देखो हमको बहुत तकलीफ होता है, हमारी नौकरी चला जाएगा। और मेरा मरीज ऊपर चला जाएगा, उन्हें भूखा है। मैं उसे फ्रूट खिला को आती, मैं खिलाती तो खाता, नहीं तो भूखा मर जाता उन्हें। अपने हाथों से बेवड़ा माफ करना पानी, मैं ईट खिलाती तो पीता, नहीं तो लुढ़क जाता देखो। ओए ये टोकरी में से बोतल का आवाज कैसा? जवानी की निशानी का पानी। खोल के बताओ। खोल के बताओ। देखो खुदा कसम हम खुद खोल के देखेगा, नहीं तो टोकरी हम देखते। ची 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 ची, कितना गंदा मैला पानी। ओए लाहौल बिला कुवत, ये तो दारू है। तुम बोल रहे था फ्रूट है? हाँ खान साहब, पहले पहले ये फ्रूटिश था ना, नारंगी मौसम्बी, उसका ही निकला हुआ पानी। चुप करो, ये दारू तुम अस्पताल के अंदर ले जाते, इतना अच्छा सूरत, इतना गंदा काम करते। ये लो तुम्हारा टोकरी और निकलो बाहर अस्पताल से। क्या पानी, मैंने पेट्रोल से अंगार पकड़ रहे खान साहब। तुम जाते हैं कि हम तुम्हें धक्का मार के फेंक देगा बाहर। अरे वो मोटे इतना भाव काय को खा रहे, तू अस्पताल का वॉचमैन है, कोई सर का दारोगा नहीं। जाओ जाओ जा जा, जाके अपने स्टूल पे बैठ कर। मालूम है ए, किधर जाते हैं मैम साहब, इसमें क्या है? ए मैन, ये क्या हो गया तुमको? हम इधर का हेड नर्स है। माफ करना मैम साहब, ये चोकरी ने तो दिमाग खराब कर दिया। एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम्हारी दवाई पी पी कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे पिलाना है तो कुछ दारू पिलाओ। अरे क्या पानी, पानी। गुड मॉर्निंग सिस्टर, ये ग्लूकोज की बाटली, इसको चढ़ाओ। ग्लूकोज? हाँ ये ग्लूकोज, ये टेक्निक कलर लेटेस्ट है, चढ़ा। इनको ग्लूकोज की क्या जरूरत है? तुमको हम जितना बोलने का उतना करने का, मूड बनाने का बिगाड़ने का नहीं। स्टैंड अंडरस्टैंड? मगर नो, अगर मगर जैसा हम बोला वैसे करो। बाहर ले जाना, मूड बन जाएगा। मूड बन जाएगा? तू फिक्र ना को कर, मैं तेरे को इधर से ऐसे निकालती जैसे लोग बाटली से दारू निकालते। यार भाई भाई, यार भाई भाई, यार ओए कौन खराब करते हमारा गाना इधर।